Assalamualaikum students. Previous lecture के अंदर हमने 12.2 question number 1 discuss किया, जिसमें हमने average के बारे में बात की, या हम secondly उसका नाम है mean, mean के बारे में. तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि sum of all quantity divided by number of quantity. तो आज उसी की practically example है हमारे पास, कि हमारे पास heights दी गई हैं 10 girls की, were measured in centimeters, जिनको हम centimeter के अंदर हमने measure किया. एंड रिजल्ट वार एज फॉलोज, और उसका रिजल्ट दिया है कि वन गर्ल 143 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, 132, 115, 139, 139, 130, 136, 148 एंड 150. तो 10 गर्ल्स उनकी हाइट्स के मुख्तलिफ हमारे पास है. इन सेंटीमीटर्स की हम बात करें, आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, एंड 1 मीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर. 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ये हिंट के तौर पे आप इसको याद रखें. तो यूनिट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं कि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में. तो सेंटीमीटर्स के अंदर हमारे पास ये हाइट्स हैं. तो पहला जो क्वेश्चन पार्ट नंबर ए है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, कि इसमें से सबसे ज्यादा हाइट किसकी है. तो सबसे ज्यादा देखिए हमारे पास क्या है, ये 143, 32, 15, 39, 150 सबसे हाईएस्ट है. तो सॉल्यूशन ए लिखूंगा मैं, कि द हाइट ऑफ द tallest girl is the height of the tallest girl is क्या है 150. सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी हाइट है वो क्या है 150. सॉल्यूशन बी है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी गर्ल की जो है वो हाइट क्या है. तो सबसे छोटा 115 और 115 है. द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज कितनी है 115. सॉल्यूशन सी के व्हाट इज द मीन हाइट, इन सब की मीन क्या है. तो मीन के लिए अगर मैं एक्स बार लिखता हूं, तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज क्या है, 143 प्लस 132 प्लस 115 प्लस 139 प्लस 139 प्लस 130 प्लस 136 प्लस 148 प्लस 150 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और 10 थी टोटल हमारे पास, 143, 132, 115, 135 यहाँ से स्किप है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 135. जो टोटल हमारे पास 10 थी, 135 डिवाइडेड बाय 10. तो क्या आ जाएगा, इन तमाम क्वांटिटीज का मैं सम करूंगा. तो सम के लिए देखें, 143 प्लस 132 प्लस 115 प्लस 139 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 130 प्लस 136 प्लस 148 प्लस 150. तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 67 डिवाइड बाई 10,
तो जब डिवाइड करेंगे तो 136.7 आ जाएगा। तो मीन हाइट इज, द मीन हाइट इज 1, तो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा ऑप्शन सी का कि मीन हाइट इज द मीन हाइट इज 136.7। तो सॉल्यूशन नंबर डी है हमारे पास, सॉल्यूशन डी के हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर हुज हाइट्स आर लेस देन मीन हाइट, कि कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी मीन हाइट से जो हाइट है वो कम है। तो मीन है 136.7, तो देखें इससे कम क्या है 136.7 से, तो 132 लेस है 135, ये भी लेस है, ये भी 136, ये भी लेस है 135, तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आ जाएगा दैट हाउ मेनी गर्ल्स, तो कितनी गर्ल्स हैं, द नंबर ऑफ गर्ल्स height is less than mean height is, कितनी है वो हमारे पास 1 2 3 4 5, वो है हमारे पास टोटल 5, कि हमारे पास 5 गर्ल्स ऐसी हैं जो मीन हाइट से जिनकी जो कम है उनकी। तो ये था हमारे पास के हमारे पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 5 हैं, तो 5 के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन था वो हाइट्स 10 गर्ल्स की थी, और हमें क्या फाइंड करना था कि इसमें नंबर 1 कि इसमें हमारे पास जो हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल है वो कितनी है, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, फिर मीन हाइट, और फिर हमारे पास आ जाता है हाइट ऑफ हुज विच आर लेस देन मीन हाइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही आप ये समझ लें कि प्रैक्टिकली हमारे पास एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो मॉड और उसके बारे में पढ़ेंगे, एवरेज के बारे में। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।